दोस्तों टाइटैनिक को कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अपनी पहली ही यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और कई लोगों की जान ले बैठा। इसके पीछे कई थ्योरी सामने आती है, लेकिन हाल ही में एक लेखक ने एक नई थ्योरी का खुलासा किया। वो लेखक पिछले 30 सालों से इस पर रिसर्च कर रहे थे। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे विशाल जहाज द टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर की ओर चला था। उस समय ये माना जाता था कि अब तक का सबसे सुरक्षित और विशाल जहाज है। ये इतना विशाल था कि कई लोगों का मानना था अगर ये समंदर में डूब भी जाए तो इसका एक हिस्सा पानी के ऊपर ही रहे। इस विशाल जहाज में खतरे के समय बचने के लिए बेहद ही कम लाइफ बोट थी। अगर ये किसी हालत में डूब जाता तो इसमें सवार यात्रियों में तकरीबन आधे ही यात्री सुरक्षित लाइफ बोट्स के जरिए बच पाते। लेकिन इतनी बड़ी कमी पर कभी भी किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उस समय उनका मानना था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। यात्रा शुरू होने के 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को द टाइटैनिक अंटार्कटिक महासागर में एक बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान से टकरा गया। इस टक्कर के कारण इसमें कई छेद हो गए और पानी इसके अंदर भरने लगा। जहाज में लाइफ बोट्स की कमी होने के कारण लोगों को ये जल्द ही पता लग गया कि उन्हें लाइफ बोट्स में जगह नहीं मिलने वाली। जहाज के अगले हिस्से के पानी में डूब जाने के कारण लोग पिछले हिस्से में जमा होने लगे, लेकिन हादसे के 2 घंटे 40 मिनट बाद पूरा जहाज पानी में डूब गया। अगली सुबह लाइफ बोट्स में बचे 705 यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन इस हादसे में 1500 से ज़्यादा यात्री और जहाज कर्मचारी मर गए। अभी तक ये माना जा रहा था कि जहाज के डूबने का कारण इसका बर्फीली चट्टान से टकराना है, लेकिन आयरिश पत्रकार और लेखक सैनन मलोनी ने एक नया खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जहाज के डूब जाने का कारण इसका चट्टान से टकराना नहीं बल्कि इसके बॉयलर रूम में आग लग जाना है। उन्होंने बताया बॉयलर रूम के कोयला बंकर में आग लगने की वजह से जहाज की पेंती बिल्कुल कमजोर हो गई। यात्रा पर जाने से पहले की तस्वीरों में जहाज की पेंती पर काले धब्बे भी नजर आ रहे थे। मोलोनी ने बताया जहाज निर्माता कंपनी के अध्यक्ष को इस बात की पूरी जानकारी रही होगी कि जहाज के डूब जाने का कारण इसका बर्फ से टकराना नहीं इसके बॉयलर रूम में आग लग जाना था, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर अहमियत नहीं दी और इसका सारा दोष जहाज कर्मचारियों पर डाल दिया। सो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।